उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस ने यूपी में अपने सियासी वजूद को बचाए रखने और अपने पुराने कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय को साधने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने कदम बढ़ा रही हैं। इस प्लान से न सिर्फ बीजेपी परेशान होगी बल्कि सपा और बसपा के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी होगी। उत्तर प्रदेश की सत्ता का सफर तय करना राजनीतिक दलों के लिए इतना आसान नहीं है। इसके लिए गठबंधन के गणित से लेकर जातिवाद का कार्ड और हिंदू मुसलमान को साधना बेहद जरूरी है। इसे समझते हुए कांग्रेस अभी से वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई है। उसकी नजर मुस्लिम वोटर्स पर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी ने सूबे के हर जिले में उलेमाओं के साथ बैठक करने की रणनीति बनाई है, जिसकी शुरुआत बस्ती और संत कबीर नगर जिले से हुई। अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने बताया कि यूपी के हर जिले में उलेमाओं के साथ हफ्ते में 2 बैठक की जाएगी। इन बैठकों के जरिए पार्टी प्रदेश के मुस्लिमों की समस्याओं को समझाने की कवायद कर रही है। इसके अलावा उलेमाओं की बैठकों में सुझावों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सामने रखा जाएगा, ताकि अगले साल होने वाले चुनाव घोषणा पत्र में उनकी मांगों को शामिल किया जा सके। कांग्रेस ने उलेमाओं के साथ भले ही पूर्वांचल के जिलों से बैठक शुरू की है, लेकिन पार्टी का पूरा फोकस पश्चिम यूपी के जिलों पर है। पश्चिम यूपी में मुस्लिम समुदाय से साथ साथ देवबंद, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली जैसे शहरों में इस्लामिक शिक्षा केंद्र हैं, जहां बड़ी तादाद में उलेमा हैं। कांग्रेस इस कवायद के जरिए उत्तर प्रदेश के करीब 20% मुसलमानों को अपना बनाने में जुटी है, जो एक दौर में कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक हुआ करते थे। लेकिन 1989 के बाद ये वोट बैंक कांग्रेस से छिटक कर सपा और बसपा के करीब चला गया है। मुस्लिम वोटर्स के कांग्रेस से अलग होने के बाद से पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी। ऐसे में कांग्रेस सूबे में अपनी राजनीतिक जड़ें जमाने के लिए मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि मुसलमान होंगे कांग्रेस पर मेहरबान। डीबी लाइव की रिपोर्ट।